आम खबर में आपको वफाकी वज़ीर इत्तिलात फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट किया गया है, हुदैबिया पेपर मिल्स केस 1242 मिलियन के फ्रॉड की कहानी है जो बलिहाज हजम पनामा पेपर केस से बड़ी है। जाली अकाउंट्स का भांडा फूटा तो इन्होंने पैसा हुदैबिया पेपर मिल्स के अकाउंट्स में डालने का फैसला किया। फवाद चौधरी की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा कि 1242 मिलियन अचानक शरीफ फैमिली के असासों में आ गए, रकम पनामा स्कैंडल से भी बड़ी थी। मुशर्रफ दौर में मामला एहतसाब अदालत के रूबरू आया तो डील करके सऊदी अरब चले गए। 2008 में मामला दोबारा उठाया गया मगर पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुकमुका ने केस फिर रुकवा दिया। मुकदमे में अब कुछ नए हकायक भी सामने आए हैं जिन पर नई तफ्तीश का फैसला किया गया है। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में मजीद लिखा कि उम्मीद है अदलिया इन जजों पर भी कार्रवाई करेगी जिन्होंने शरीफ फैमिली की मावनत की है। वफाकी वजीर इत्तिलात फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हुदैबिया पेपर मिल्स केस 1242 मिलियन के फ्रॉड की कहानी है जो बलिहाज हजम पनामा पेपर केस से भी बड़ी है। ए नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है, मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफ़ीने, गोया हैं तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैजाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।